When a video gets over हो <laughs> मुझे समझ आया अच्छा बेटा <laughs> <येस की मैं। laughs> मुझे ऐसा हमेशा से लगता है मुझे आज भी लगता है

मतलब अभी लेटली इट्स बिन ऑफ बट कभी कभी हो जाती है बात कभी नहीं होती मुझे ऐसा लगता है कॉन्ट्रोवर्सी से वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी कि भाई लड़ाई झगड़े से अगर फेम मिल सकता है तो सब भी लड़ना शुरू कर देंगे और लेटली आई सीन दैट ओनली YouTube कम्युनिटी हमेशा से कहती है कि हम सब में बहुत भाईचारा है इज इट रियली देर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज या कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि आप अगर कहीं भी कुछ बोलोगे तो आइर यूल बी मतलब शेडेड या, या, या। फिर आपको वो सारी सिचुएशंस आप ही के ऊपर आ जाएगी कि भाई तू कैसे बीच में बोल रहा है Hi guys, so that's my new car. Oops, sorry. Let's be honest, मेरी नहीं है, बल्कि एक इंडियन यूट्यूबर की है और उनकी एक पांडा आर्मी या कहूँ पांडा गैंग है जो उनसे बहुत प्यार करती है जो फुकरा इंसान लेट्स गो इन साइड वो ले क्वेश्चन पूछते हैं जो आप लोग पूछना चाहते थे जी ओह हाय अभिषेक हाय मैम हाय अपनी पांडा आर्मी को हाय बोल दो हाय पांडा गैंग <laughs> आइए आइए स्वागत है आप सभी का न्यू हाउस मतलब ये बनने में कितना टाइम लगा है मैम 200 साल लगे थे वर्कर्स को ये बनाने में फिर उनके हाथ काट दिए गए ओह कितनी एज होगी आपकी इस हिसाब से 225 <laughs> है। Thank you, yeah. Welcome. क्या खाएंगे आप क्या पियंगे आप कुछ भी नहीं आपका थोड़ा टाइम चाहते हैं ताकि आपसे बातें कर सके जी, और जो सवाल हमसे बहुत सारे लोगो ने पूछने के लिए बोला है आपसे वो आज स्पेशली मैं पूछने आई हूँ बिल्कुल टॉप इंडियन यूट्यूबर्स सिंगर एक्टर एंड किसी रियालिटी शो पर वो भी इतने बड़े रियलिटी शो पर पहली बार YouTube कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ये ये है फुकरा इंसान हाय हाय अभिषेक मल्हान मैम हाउ आर यू आई एम गुड मैम नहीं बोलते हैं मेरे इंटरव्यूज में कोई भी मुझे बिकॉज <laughs> फिर वो बात ऐसे इंटरव्यू तक ही रह जाती है अच्छा हम बातें करने आए हैं आपसे गपशप मारने आए हैं इतना प्यार मिलता है आपको हर दिन कोई ना कोई रील वायरल है यूट्यूब का शॉर्ट वायरल है जो बोल दे वो चीज़ वायरल हो जाती है क्या लगता है क्या, क्या? चीज ऐसी है जिसकी वजह से लोगों से इतना प्यार मिलता है वो एक क्या चीज़ आपके अंदर है जो आपको फील होती है आई फील रिलेटिबिलिटी कि ये तो अपने जैसा ही है अब भाई अपना है। तो मुझे ऐसा तो लगता है वो जो प्यार है ऑडियंस का मेरे लिए कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा द बॉय नेक्स्ट डोर वो वाला सीन है तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं कि मम्म बॉय है फैमिली के साथ रहना पसंद करता है और गाने सारे गाने इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि सारे दिल भरे टूटे हुए आशिकों वाले गाने होते हैं <laughs> क्योंकि मैंने जितना मतलब मैं जब किसी से पूछता हूँ कि गाना कौन सा सुन रहा तो समझ आ जाता है अच्छा इसका भी कहीं ना कहीं दिल सब कहीं टूटता है सबका। <laughs> तो वो वाला सीध है हुँ. तो गाने पसंद होते हैं यूट्यूब इसलिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं कुछ डिफरेंट देन बिफोर और रील्स मुझे है क्योंकि रिलेटेबल जैसे मैंने बताया एंड ब्लॉग्स मम्म बॉय फैमिली वो सारी चीजें जरूर लेकर ब्लॉग वो करते

तो या को अच्छा नहीं लगता <laughs> 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 देखो ऐसा ठीक yeah. है? ऑडियो hmm. पे इंस्टाग्राम तो hmm. पे, पे या यूट्यूब पे अगर कोई ट्रेंडिंग आप टॉपिक पे उठाओगे तो बट तो hmm. yeah. मतलब जैसे मेरा यूट्यूब कॉन्टेंट है वो उस ट्रेंडिंग क्या चल रहा है उस पर नहीं चलता hmm. वो चलता है कि तुम्हारे को चीज ट्रेंडिंग क्रिएट करनी है hmm.

इंस्टाग्राम इज इज लाइक दैट दैट समथिंग आई डू फॉर वेरी मच फन वे में कि hmm. चलो आज मन कर रहा या अब जब मेरे को पता चला कि अब अगर सिंगर बनना है गाने वायरल करने हैं तो रीलों का उपयोग करना बहुत जरूरी wow. है अगर तुम अच्छे रील बनाओगे तुम्हारा अच्छा मतलब चलेगा अभी रिसेंटली हमने मेरा एक गाना तुम मेरे टू जी। तो उस पर एक मैंने रील बनाई मम्मी के साथ वो फिफ्टी मिलियन व्यूज होने वाले हैं उस रील पे और उस रील की वजह से मेरे गाने पे छह लाख रीले बन गई तब मुझे समझ आया अच्छा बेटा

उसका मतलब हमें लगता था कि फुकरा वो होता है जो इंसान बड़ बोला है, कुछ जो कुछ सादा है।, बोलता है जो कुछ नहीं करता टाइप हाँ। ये जो आपका नाम रखा गया ये किसने नाम रखा था ये मैंने गलती से खुद ही रख दिया था तो मेरे को हर बार मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं कौन सा इंसान हूँ हाँ। जो कुछ नहीं करता <laughs> मुझे ऐसा हमेशा से लगता है मुझे आज भी लगता है कि मैं कुछ नहीं करता तो जब मैंने जब अपना पहले फुकरा इंसान रखा तब मैंने ऐसा रखा कि कुछ नहीं करता जो सिर्फ अवारा गलती करता है फुकरा तो इंसान जोड़ दिया फुकरा इंसान बना दिया फिर जैसे हम मेरे को अपने पूरे सब्सक्राइबर्स का नाम रखना था तो जो सोते रहते हैं खाते रहते है, तो मैंने मैं पांडा और क्यूट होते हैं तो पांडा गैंग बोल दिया तो मतलब हमेशा I, I of, मतलब हमेशा आई आई रेजोनेट ऑफ वो वाली चीजें जो कुछ नहीं करते आराम करते हैं सोते हैं खाते हैं ब्लेड बैक लाइफ जीते हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया में आग लग रही है अपन तो सोएंगे भाई बट कितने घंटे की नींद आपको मिलती है अभी कम मिलते हैं बट मुझे आई स्वेर मैं मम्मी को कल भी ये बात बोल रहा था मम्मी अब मुझे ना तीन दिन लगातार सोना है बहत्तर घंटे क्योंकि रिसेंटली वी क्रिएटेड अ वीडियो जिसमें हम 50 घंटे एक बॉक्स में बंद थे तो 50 आवर्स इन अ बॉक्स और विदाउट सेल फोन एवरी थिंग सो मच टॉर्चरिंग मेरे को ऐसा लगा था कि भाई मैं गलत गलत डिसीजन ले लिया और बस फिर मेरे को ऐसा मैं बहत्तर घंटे सोना चाहता हूँ oh अच्छा एक बात हो सच सच क्योंकि अभी ये बात उठी है तो ये जो ऊट पटांग वाले आइडियाज आपको आते हैं कभी जंगल में जाना है कभी ये पचास घंटे वाली चीज तो घर में कभी ऐसे रिएक्शन मिलते हैं कि क्यों करता है ये सब नहीं ये तो हर बार रिएक्शन मिलता है मतलब जंगल पे जाने से तो मम्मी ने मेरे बैन लगा दिया था कि जंगलों में क्योंकि भगवान प्लीज इस बार मुझे बीमार मत करना। hmm. और बड़े से शेल्टर शुलटर बना के ah. yeah. like, वाओ, yes. hmm. जंगल में जाना सफल हुआ अच्छा इसी के साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेन फॉर टाइमलेस लव

आज वेन आई हैव बट स्टिल आई मिस द ओल्ड लव आई हैड तो वो एक काइंड ऑफ वो अनाउंसमेंट वीडियो है तो उसके उससे रिलेट करके हमने सातों गाने बनाए जिसमें कैसे मेरे यारा में दोस्ती होती है फिर फेक लव में ब्रेकअप हो जाता है <laughs> फिर ख्वाहिश होती है कि चलो शायद हमारा कुछ हो जाए हाँ। फिर मिस्टेक्स होती है तो सारे गाने के नाम भी देखोगे ना तो ऐसे ऐसे रखे हुए हैं ऐसे मतलब तो सबके लिए सब कुछ है उसके अंदर सबके लिए सब <laughs> गाने हैं हर इंसान के लिए जो प्यार करना चाहता है उसके लिए भी गाने हैं जिसका प्यार होके टूट गया उसके लिए भी गाना है जो प्यार होने का बदमाश बन गया उसके लिए भी गाना है तो सारे गाने हैं उस एल्बम में हमने सब कवर कर सारे फ्लेवर है सारे फ्लेवर ओके अच्छा मेरे यार कॉमेंट सेक्शन में ना एक चीज बहुत कॉमन है और वो है मनीषा रानी लोगों का मानना है की वो गाना उन्हीं के लिए है

ये एक चीज तो सबको समझ आ चुकी है कि लाइफ अलग वेज में जाती है सब अपने अपने वेज में जाते हैं सब बिजी हो जाते हैं सब अपनी लाइफ में होते हैं बट हाँ वे जहां हमारी जरूरत होती है एक दूसरे को बात करने की हम बात करते हैं जहां हमारे को एक दूसरे की जरूरत होती है कि भाई आई नीड यू यहां पर तो वी आर देयर फॉर इच अदर ऐसा नहीं है कि वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऑब्वियसली वी डोंट टॉक ऑन वेरी रेगुलर बेसिस बट वेन इट्स नीडेड वी टॉक ओके okay. और आपके घर वालों का या भीषा भिया फैंस पर क्या कुछ कहना रहा है नहीं मेरे घर वालों का कुछ नहीं होगा तू, तू तू करके आया भिया भीषा तू ही संभाल ला हमसे क्या पूछता है हाँ। <laughs> तो हम मैं कुछ नहीं उसमें मैं मतलब मम्मी पापा भाई बहन सब ये कहते हैं यू हैव टू हैंडल इट तू मतलब और मैं भी क्या ही हैंडल करूंगा यार इट्स लाइक शेयर डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट पीपल मैं क्या कह सही बात है तो बन गया बॉन्ड सबके साथ ठीक yeah. है तो आई जस्ट रेड अबाउट इट कि 20 साल की उम्र में आप बिजनेस कर रहे थे पहली बात 20 साल की उम्र में बहुत कम लड़के बिजनेस करते हैं सेकंडली hmm. चलो अगर बिजनेस कर भी रहे थे यू वर डूइंग गुड आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फिर उसके बाद से ये कैसे पूरा शिफ्ट आया सो बेसिकली so uh, मैं जब uh, 12th कंप्लीट हुई थी तो मेरे 95% आए थे तो मुझे ये था कि मैं मैं हमेशा स्कूल टॉपर था तो मुझे ये था कि मेरे को डीसी मेरे को डीसीएस में गया था बट मेरे को ऐसा था हमेशा मुझे एसआरसीसी जाना है अच्छा एसआरसीसी वाज माय बेंचमार्क तो जब मेरा वो दिल टूट गया सपना टूट गया कि 97% 98% चाहिए वहां पर मेरे तो 95% फर्सेंट मेरा नहीं होगा तो फिर मैं चला गया डीसीएससी वहां मैंने देखा वहां पर एडमिशन सौ बच्चों की एडमिशन हो रखी थी लेकिन एक क्लास इतनी बड़ी होती है तो आई रियलाइज की भाई या तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मेरा कुछ होने नहीं वाला तो अब मुझे कुछ और करना चाहिए फिर मैं मैं जिम जाता था वहाँ मेरा एक फ्रेंड था जिससे मैं स्कूल में बहुत कम बात करता था उसको मैंने बोला लेट्स डू समथिंग फिर हमने पहले बैग्स का बिजनेस करा बैग्स का बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा था बट फिर हमने डे कर नहीं अपना कोई ब्रांड बनाते हैं फिर हम मतलब सामान की कहीं से थर्ड पार्टी हमने उठाया उसको हमने बेचना चालू कर दिया एंड दैट बिजनेस डिड वेरी वेल मतलब ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग स्टोरी कैसे हम हैंड वॉश की बॉटल्स लेके होटल चले जाते थे कि अच्छा हमें ये बेचना है आपको हमें इतने का पड़ता है आपको चाहिए तो बताओ तो कहते थे इसको हाँ हाँ लोग हमने लेबलिंग करने के चक्कर में अपना ब्रांड बना दिया कि भाई हम दूसरों को दूसरे के नाम से क्यों अपने नाम से शुरू करते हैं फिर अपना नाम बना के फिर हमने कहा इसको सिर्फ होटल तक क्यों बेचना इसको सुपर मार्केट्स में बेचो इसको निकालो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो करना है करो मतलब पर बेचो इसको Did a very good business, but फिर भी डिट अ वेरी गुड बिजनेस बट फिर धीरे धीरे जब प्रेरणा दीदी यूट्यूब में आई निश्चय यूट्यूब में आए तो मैं कहा यार मैं भी यूट्यूब शुरू करता हूँ फिर यूट्यूब करते करते यहाँ इतना मन लग गया कि धीरे धीरे वो छूटता रहा छूटता रहा एंड आए मुझे ऐसा लगा कि वो जस्टिफाइड नहीं था कि मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर सिर्फ बिजनेस पर सारा ध्यान दे रहा था मेरा फोकस डिवाइड हाँ। होता तो आई टू डू लाइक कि

तो अब मैं जब वो वीडियोस बनाता था तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे ओके okay, उस वक्त भी हमने एक बिजनेस चालू करा था अब आज हम कितने सारे बिजनेसेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली राइट नाउ आई हैव अ टीम कि अगर मैं बैक एंड पे कोई और काम मतलब कोई फ्रंट एंड पे कोई और काम कर तो बैक एंड पे मेरी टीम भी संभाल लेती है जैसे अभी हमने ड्रॉप शिपिंग करा था और सीक्रेट यूट्यूब चैनल करा था और ऐसे कितने सारे मल्टीपल बिजनेसेस है आई फील दिस इज ये वाला कंटेंट बहुत ज्यादा और लोगों तक पहुंचना चाहिए एंड दैट्स ओनली कि जियो भी हमारे पास आया एंड उन्होंने हमारा कंटेंट अपने जियो सिनेमाटी टी पे यूट्यूब डाल रखी है तो अगर आपने नहीं देखी तो क्रिएटर्स अड्डा वहां जाके भी हमारी वीडियोस देख सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत वो फन आता है मुझे कि

और हिमांशु भाई अभी बैठे पीछे वो भी हमेशा बोलते थे यार आपका कंटेंट ना और बड़ा वाइड रीच करना चाहिए अभी व्यूज कम हमारी ऑडियंस यूट्यूब और देखेंगे मुझे नहीं पता था वहां जाने के ये कहेंगे मतलब कंटेस्टेंट बन जाए या जज बन जाए ये कर ले या वो कर लाइफ बट well, like,

एक और चीज मैं पे जरूर जानना चाहती हूँ बिकॉज पूरा परिवार कॉन्टेंट क्रिएटर है तो क्या घर में ऐसा यूजली माहौल रहता है बिकॉज आज तो चलो शांति दिख रही है नहीं नहीं, यही शांति रहती है कॉन्टेंट <laughs> को लेकर डिस्कशन निश्चय टॉप फ्लोर पे। <laughs> हाँ। पापा मम्मी ग्राउंड फ्लोर पे मैं फर्स्ट फ्लोर पे फिर जब हम मिलके बैठते हैं तो सिर्फ हम खाने बैठते हैं या फिर लड़ने बैठते हैं <laughs> <laughs> तो या व्लॉग चल रहा होता है हाँ। तो ऐसा सच कोई नहीं है कि कोई कंटेंट की बात है हमारे घर में कभी कंटेंट की बातें अब तो बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि एक तो सबका कॉन्टेंट डिफरेंट है या तो अगर कभी बात होगी तो मम्मी के चैनल की बात हो जाती है की डिम्पल बहन पे ब्लॉग क्या बनाना अगला बस ब्लॉग्स करते हैं जी बस अच्छा आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि बिग बॉस के बाद कुछ चीजें चेंज हुई

तो इसलिए मैं कह लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज होनी आप स्ट्रांग पर्सनैलिटी होनी बहुत जरूरी है अगर तुम्हें बिग बॉस के घर में जाना है ताकि ये निश्चय जो चिल्ला रहा <laughs> ये गेम उनका डेब्यू हो गया निश्चय का डेब्यू हो गया <laughs> वो सेकंड फ्लोर से चलाते तो हैं ये ऐसा है ओके okay. तो इसलिए मेरे कौन सकता है बट बिग बॉस हैज डन ऑल गुड्स फॉर मी आई फील कि मतलब मेरी लाइफ तो उसने कंप्लीटली चेंज कर दी एंड नाओ मतलब मेरे को बहुत मेरे को एक पहले नीच ऑडियंस जानती थी आई थिंक नाउ एवरी वन नोज मी जब भी मैं भाग जाता हूँ सब मिलते हैं प्यार से हक करते हैं खुशी से मिलते हैं और उसके बाद लाइक इनिशियली आई वॉज ऑल अबाउट यूट्यूब वीडियोज़ बट नाउ आई थिंक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं नाओ दे वॉन्ट मीन Like, so तो yeah. yeah. जाए चैनल पर तो अगर आप इतने पर्टिकुलर रहे हो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस टाइम वो चीजों में डायवर्जन आ सकता है कहीं वेब सीरीज और इन चीजों में लग गए कौन डाले ऑब्वियसली डाइवर्जन आया भी है बट मुझे ऐसा लगता है

और फिर उसके बाद हमने एक स्टोर खोला था अपना खुद का तो आई थिंक बिफोर बिग बॉस आई वुड हैव नेवर टेकन सच टाइम लाइक थर्टी डेज टू मेक्स अ सिंगल वीडियो सो राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स हैव इन्वेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वीडियोज इज लाइक टू मच और uh, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस भी स्लो आ जाती है और मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि yeah. अभी रिसेंटली मैंने एक कमेंट पढ़ा ट्विटर पर वो कहता है क्योंकि इस संडे मेरी वीडियो नहीं आई तो दे आर लाइक Finally now guys can believe that Abhishek is a part time YouTuber and I was like no no <laughs> ऐसा, मत <बोलो>, please, please <laughs> ऐसा मत बोलो वो मुझे दुखा मुझे दिल में दुखा वो मैंने कहा shit फिर मैंने अपने editor को call करा कि देख साले तेरी वजह से ऐसा हो रहा है मैं जल्दी बोलता हूँ edit कर दे क्योंकि yeah. हमारी videos पांच सात दिन लगता है उसको प्रिपेयर करने में कि क्या बनाना right. है फिर शूटिंग में उसको लगता है पंद्रह बीस दिन लगता है और अगर तीस दिन वाली वीडियो बना रहे हो तो एटलीस्ट पंद्रह बीस दिन लगेंगे क्योंकि ओवर द टाइम हम दो दिन का एक दिन में शूट करते हैं right. कि ये ये हुआ दो दिन में उसके बाद एडिट में पंद्रह से बीस दिन लगते हैं तो इतना बड़ा प्रोसीजर हो चुका है वो वीडियो बनाने का और आती वो पंद्रह मिनट किया और लोग कहते हैं अरे यार क्या एक दिन में बना दी तो आपने प्रोसेस बता दिया कि अब तो शायद नहीं ये प्रोसेस इतना बड़ा है कि मेरी मम्मी तो मेरे को लिटरली बोलते हैं है। है। उनकी लिटरली यही बात खिचड़ी बना रहा है तीस हाँ। तीस थी दिन क्यों शूट कर रहा है एक दिन की निश्चय जाता है पंद्रह मिनट में एक वीडियो बना के खत्म हो जाए डल जाते बेटा देख ले तो ज्यादा ही आते हैं इनफैक्ट तो फिर मेरे को ऐसा लगता कि नहीं यार थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऐसा शॉर्टकट ढूंढना चाहिए जिसमें जल्दी बन जाए बट इट्स आई लाइक आई लाइक डूइंग इट कभी मेरा माइंड ऐसा हो जाता है की इधर उधर भगता है बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये वीडियो है जो लॉन्ग रन में एक आई पी है लॉन्ग पीरियड आई नो सो मेपल And है, क्या था सबसे बड़ी रीजन जो जो निकल कर आया वो ये था कि आपने बहुत के साथ खेला एंड तक एंड like, बुरा लगा था जब आप लास्ट में वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे बिकॉज आपकी तबियत खराब हो गई थी तो वो एक बड़ा डिसहार्टनिंग मोवमेंट था मतलब समझिए कि, किस लेवल तक लोगों ने आपसे रिलेट किया है उस शो में आई एम वेरी हैप्पी की लोगों ने एटलीस्ट ये नहीं देखा की बिहाइंड सीन क्या चला था बिकॉज एट दट मूवमेंट Like, पता नहीं कितना सारा वेट और उसके बाद मेरी मम्मी पापा ने मुझे देख लिया नहीं करना बिग बॉस बाहर निकल आई वॉज लिटरली शिवरिंग और मेरे को दिखाया नहीं था दो दिन कैमरे पे डेंगू हो गया था मुझे एंड वो बात भी बाहर नहीं बताई गई थी कि इसको डेंगू हो गया एंड देर लाइक अवॉइडिंग इट बट ठीक है आई नो अट ऑफ पीपल कनेक्टेड टू मी आई लव एवरी वन जो भी ये देख रहा है मेरा ढेर सारा प्यार उनको मेरे को गाने पे भी डांस करना था। बादशाह चारों मौका मिल रहा है तो शाहरुख खान के गाने पे वो भी तो बट फिर मुझे ऐसा लगा चलो एवरीथिंग अगर बीमार हुआ बट समे आई डांस इसी गाने स्टेज पे

फलक दी से कभी कभी इंस्टाग्राम पे कभी कभी बात हो जाती है और जैड का इंस्टाग्राम कमेंट्स पे वो बात होती है अगर उसने कमेंट कर दिया हाँ। मैंने कमेंट कर दिया बाकी आई डोंट थिंक मेरी किसी से बात कोई बचा है क्या पर जैसे मतलब नॉर्मल दोस्तों से बातचीत रहती है ऑन ऑफ चलता रहता है आपका हाँ। हाँ, साथ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इट्स लाइक सबके पास लाइफ में जो दोस्त होते हैं वही दोस्त होते हैं बाकी दीज आर पीपल यू वर्क विद यू मीट मतलब जब सेट पे मिलते और वो वाली चीज है ओके okay. अच्छा दो यूट्यूबर्स थे जिन्होंने पूरा हल्ला मचाया हुआ था पूरे बिग बॉस के घर को मुझे लगता है सर पर उठाया हुआ था इस बार और हर न्यूज़पेपर हर चैनल इवन हमारे चैनल पर सिर्फ आप दोनों के चर्चे होते थे लेकिन पिछले कुछ दिन यूट्यूबर्स को लेकर तो बहुत मुश्किल भरे भी रहे हैं वो बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सीज निकल कर आई क्या आपकी बातचीत हुई एल्विश से उस दौरान क्या यू वर देयर फॉर हिम बिकॉज जिस तरह का भाईचारा हम लोग देखते आए हैं सुनते आए हैं जो कम्युनिटी हमेशा से कहती है कि हम सब में बहुत भाईचारा है इज इट रियली मुझे जब से मैं बिग बॉस से बाहर निकला हूं एलवेशन में हमार को सारे ऑफ शोज़ ही कट्टर ऑफर होते हैं तो भी मीट ऑन सेट से बात होती है जिया से इट्स लाइक वेरी मतलब अभी लेटली इट्स बीन ऑफ बट कभी-कभी हो जाती है बात कभी है। नहीं होती मुझे लगता है कंट्रोवर्सी से

तो अपने को उस चीज़ पे हमेशा फुल एतबार रहता है कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई इवन इफ इट्स गुड और बैड इज कॉन चेंज। आई एम डेटिंग सोनम बाजवा, मैं मोदी जी के साथ लाइफ एक्सचेंज करना चाहूँगा